गाइस वेलकम है आपका इस वीडियो में। आज हम लोग रोन्सकेन को डिस्कस करेंगे। रोन्सकेन किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है उसको डिस्कस करेंगे। ये BHU एंट्रेंस एग्जाम में आया है इसलिए इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए फटाफट से इसकी क्विक रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, अगर हमारे पास y1x और y2x, ये जो है दो चीज़ें हमारे पास क्या दे रखी है, ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस की हमें जो है सॉल्यूशन दे रखे हैं। ठीक है, ये लीनियर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकेंड ऑर्डर की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर और होमोजेनियस इक्वेशन जो है उसके ये सॉल्यूशन दे रखे हैं हमें। तो इनको हम लोग रोन्सकेन की फॉर्म में कैसे लिखते हैं फटाफट से देखते हैं। WY1 Y2 X इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ Y1 X Y2 X, रो वाइज की बात कर रहा हूँ मैं, Y1 X Y2 X। अभी रो याद कर लीजिए, Y1 Y2 आएगा, फिर Y1 Y2 आएगा। ठीक है, और अगर देखिए, अगर हमारे पास रोन्सकेन जीरो आ जाए तो हम कहेंगे कि Y1 और Y2 जो है वो लीनियर डिपेंडेंट सॉल्यूशंस है। अगर रोन्सकेन जीरो नहीं आता तो हम कहेंगे हाँ ये लीनियर ऑर्डर है। ठीक है, अभी तक जो है एक बार क्वेश्चन मैंने देखा है BHU का, रोन्सकेन से क्वेश्चन आया तो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 एक हमारे पास है, तो एक बार इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहे हैं कि द रोन्सकेन WY1 Y2 आर द टू सॉल्यूशंस Y1 एंड Y2 ऑफ सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जानते ही है कि होता ही है, ये इसी के सॉल्यूशन होते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं, तो W इज इक्वल टू W रोन्सकेन इज इक्वल टू पहले पर Y1 X आएगा, नीचे रो में Y2 X आएगा, फिर सेकेंड वाली रो में Y1 X आएगा और Y2 X आएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग अगर हम इंटू करते कितना आएगा, Y1 X Y2 X माइनस Y2 X Y1 X। ठीक है, तो ये देख सकते हो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। ठीक है, माइनस है ना बीच में, तो माइनस वाला सही, तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं इसको। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।